नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं जमालपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में, उसकी पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में और प्रेजेंट के बारे में। तो आज वीडियो में सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और साथ साथ रेलवे न्यूज़ के लिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। बात करें जमालपुर जंक्शन की, तो ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि बिहार स्टेट में है। अगर बात की जमालपुर स्टेशन की, तो उससे पहले आते हैं दोस्तों इसके सिटी के ऊपर कि ये सिटी की एस्टेब्लिश कैसे हुई, यहाँ क्या क्या कुछ चेंजेस हुए, कैसे हुआ स्टेशन या कैसे एस्टेब्लिश हुआ। तो बात करते हैं पहले सिटी पे। तो सिटी जो है दोस्तों जमालपुर, मैंने बताया कि जैसे बिहार स्टेट में पड़ता है, ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है वो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है जमालपुर से। उसके बाद अगर इसकी जमालपुर का मतलब समझे तो जमाल JAML मीन्स होता है ब्यूटीफुल और पुर मतलब होता है टाउन। तो एक तरह से इसको ब्यूटीफुल टाउन के नाम से भी जाना जाता है। और जमालपुर जो है दोस्तों वो एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप मिलेगी जो सबसे पुरानी वर्कशॉप है। आई थिंक सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी या एक दो उसके बाद हुई थी, करीबन 1862 में इस्टेब्लिश हुई थी जो भी ब्रिटिश राज द्वारा। उस टाइम जो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी द्वारा इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था जमालपुर जंक्शन पे। तो दोस्तों ये कुछ इसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, मतलब कि कहे तो हिस्ट्री है जमालपुर सिटी की और कुछ प्रेजेंट भी है। उसके बाद इस इधर करने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी खोला गया कुछ टाइम बाद, जो था IRIMEE कॉलेज, इंडियन रेलवे का कॉलेज था, जो कि फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इसका एक कॉलेज भी खोला गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ NDA का स्कूल था कोई, अब वो शायद कौन सा स्कूल है मुझे इस बारे में कन्फ्यूज़न है, वो 1950 में भी इसको स्टार्ट किया गया। तो करीबन आज की बात की जाए तो करीबन 25,000 से ज़्यादा लोग इस कॉलेज के अंदर या वर्कशॉप के अंदर ट्रेनिंग या वर्क करते हैं। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी जमालपुर सिटी की और प्रेजेंट। अब आते हैं सीधा जमालपुर जंक्शन के बारे में। तो इसका अगर स्टेशन कोड की बात की जाए तो JMP स्टेशन कोड है। ये ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा देख रेख करी जाती है स्टेशन की। यहाँ से करीबन इसके अंदर 4 प्लेटफॉर्म हैं और करीबन 8 ट्रैक हैं। ये मालदा डिवीज़न में पड़ता है और जो ट्रैक्स हैं अभी वो डबल लाइन पे हो रहे हैं, अभी तक सिंगल लाइन था, अब इसे डबल लाइन करा जा रहा है और साथ साथ इसे इलेक्ट्रिफिशन वर्क भी इस पर चल रहा है। ट्रैफिक की बात की जाए तो करीबन 70,000 पैसेंजर पर डे यह स्टेशन पर चढ़ते उतरते हैं। उसके बाद यहाँ से करीबन 59 नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन्स है जो यहाँ पे रुक के आगे जाती है, और करीबन 18 ट्रेन्स ऐसी है जो यहाँ पे ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, मतलब यहीं से खुलती है और यहीं आके रुकती है। तो अगर इसकी कुछ स्टेशन की ओर बताएं तो यहाँ से जो लाइंस जो गुजरती है ये रूट होते हैं जमालपुर, तो एक रूट निकलती है साहिबगंज जो कि लूप लाइन होते हुए निकल जाती है, एक जमालपुर मुंगेर साहिबपुर कमला बरौनी लाइन जो सीधा पटना होते हुए सीधा दिल्ली को जोड़ती है, और फिर एक निकलती है जमालपुर मुंगेर खगड़िया लाइन जो खगड़िया लाइन को जोड़ती है। तो ये करीबन 3 लाइन यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद अगर इसकी लाइन कुछ बात की जाए तो अगर आपको यहाँ से जमालपुर जंक्शन से आपको हर तरफ की आपको ट्रेन्स मिल जाएगी, चाहे आपको ईस्ट जाना हो, चाहे वेस्ट जाना हो, चाहे कोई मेट्रोपोलिटन सिटी ही क्यों ना हो, एज एग्जाम्पल दिल्ली कोलकाता कहीं के भी आपको जाना हो, साउथ साइड भी, तो उधर के लिए भी आपको ट्रेन इधर से अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप साउथ वेस्ट जाना चाहते हो तो सबसे नियरेस्ट स्टेशन पड़ेगा जमालपुर से, वो है क्यूल जंक्शन। क्यूल जंक्शन ये दोस्तों वहाँ से एक कोलकाता के लिए लाइन कट होती है JCD, और एक लाइन कट होती है सीधे जमालपुर पे जो सीधे आ जाके भागलपुर की तरफ कटती है। उसके बाद अगर आप जाते हो ईस्ट की तरफ तो आपको भागलपुर जंक्शन सबसे नियरेस्ट मिलेगा, जो मतलब एक मेन स्टेशन कहते हैं कहे तो। और अगर बाकी जो डिवीज़न में आप जाते हैं जैसे कि नॉर्थ बिहार की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको बेगूसराय खगड़िया इन सब जगह के आपको डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रेन्स मिल जाएगी। वहाँ के लिए गंगा ब्रिजेस बनाए गए हैं जिससे आप एक मतलब जमालपुर से आप बरौनी बेगूसराय खगड़िया कहीं की तरफ जा सकते हो। तो यहाँ से कुछ ट्रेन की अगर जैसे बात की जाए तो अंग सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्रा मेल, आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस भागलपुर, विक्रमशिला, सियालदा वाराणसी अपर इंडिया एक्सप्रेस, ऐसे करके बहुत सारी ट्रेन है जो यहाँ पे हॉल्ट लेती है या यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ऐसे करके बहुत सारी ट्रेन्स हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो